आज हम आपको जो हमारी घी निकालने की जो पारंपरिक विधि होती थी उसकी महत्वता बताएंगे और क्यों इसकी ये इतनी ज़रूरी है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आजकल तो काफ़ी मशीन भी आ चुकी है इसकी। क्योंकि सबसे पुराना तरीके से इस विधि से घी हम इसलिए निकालते हैं जी, क्योंकि जो घी होता है, जो घी के गुण होते हैं, घी के गुण वो तभी रह पाते हैं जब घी को हम किसी भी धातु के संपर्क में नहीं आने देते। जैसे कि घी को, दूध को निकालना होता है जी, और उसके बाद उसको कढ़ावनी में गर्म करना होता है, जो मिट्टी की जो जिसमें गर्म करते हैं उसको कढ़ावनी बोलते हैं जी। जो पहले बोलते थे आजकल हम भी उसको कढ़ावनी ही बोलते हैं। तो उसको पूरा दिन दूध को कढ़ावनी में डाल दिया जाता है, वो पूरा दिन हारी के अंदर, जैसे ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले इसको उबाला जाता है। ये उबल रहा है अभी, दूध है ये, अभी भी ये उबल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो इसका येलो कलर आया ये देसी गाय के कारण आया। हाँ जी बिल्कुल, तो जो देसी गाय का जो घी होता है उसका ही कलर येलो होता है जी, जो फैट होती है वो येलो कलर की होती है। उसके बाद हम मिट्टी के बर्तन में कढ़ावनी में पूरा दिन इसको गर्म करते हैं जी। उसके बाद जैसे कि ये है, ये इसको बिलौनी बोलते हैं, इसके अंदर दूध को जमा दिया जाता है, जिसमें खट्टा लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती जी, अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें दही जम जाती है। उसके बाद इससे जो ये लकड़ी का होता है जी, जी ये लकड़ी की इसलिए ही यूज की जाती है क्योंकि ये किसी धातु पहले भी हुआ करती थी, आजकल भी होती है, मशीनें भी हैं, लेकिन हाथ से सिर्फ इसलिए बिलौते हैं। इसके कई कारण है, जैसे एक तो ये लकड़ी का है, ये नीम की लकड़ी का होता है जी, ठीक है, क्योंकि ये एक अपना गुण भी देता है, लकड़ी अपना गुण भी डालती है, और दूसरी बात कि जो घी किसी धातु के संपर्क में नहीं आता है जी। और जो एक मेन काम जो हाथ वाले जो ये बिलौने वाली होती है, ये सबसे अच्छा काम ये इसलिए है क्योंकि घी को धीरे धीरे हाथों से बिलोया जाता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है, जो दही से वो घी और लस्सी बनती है, जो मट्ठा बनता है वो धीरे धीरे बनता है, और असली घी के जो गुण रहते हैं वो ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हमारे जो कस्टमर हैं वो दवाइयों में घी यूज करते हैं, हमारा लेके जाते हैं, तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है, ऐसे दवा के तरीके से वो इसका यूज। हाँ बिल्कुल सर, जैसे अपनी ये मखनी निकल जाती है तो इसको आप फिर से उबालते हैं इसी इसी बर्तन में। इसको इस जैसे कि ये जो मक्खन है जी, जी। इसको ये यूं का यूं मक्खन है, इसको यूं का यूं इसके अंदर उपले लगा के और रख देते हैं इसमें। ये धीरे 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 अभी जैसे अब जैसे दूध गर्म हो रहा है जी, जी। तो दूध को हटा के दूसरी बिलौनी में रखा जाएगा, इसको इसमें रख देंगे, तो ये धीरे धीरे डेली का डेली निकलता रहता है। तो सर आप अपना जो घी है ये कितने रुपए सेल करते हैं? ये 2200 रुपए अभी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपसे इसको खरीद रहे हैं क्या प्रोसेस है? आप कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल कराना चाहेंगे? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 70-157-72-467, तो आप संपर्क कर सकते हो। और सर इसको क्या आप कोरियर वगैरह भी करा देते हो, क्योंकि इंडिया काफी बड़ा देश है। हाँ, क्योंकि अदर स्टेट में हमारा है, हमारे जो कस्टमर हैं जी, जो हमें वैसे जो पहले हमारे शहर में रहते थे, जो दूध लेते थे, कहीं और बाहर रहते हैं, वो तो हमसे घी लेके जाते हैं, तो वो हम वो सिस्टम करवा देते हैं, कोरियर से उनका घी पहुंचवा देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।